हे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टमाटर वाले आलू की रेसिपी, तरी वाली रेसिपी। ये आप आलू के टमाटर आप रोटी के साथ, पूरी के साथ या परांठे के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये आपको सबके साथ टेस्टी लगेंगे। आप इसे राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो गाइस, हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। मैंने ये तीन बड़े साइज के आलू लिए हैं, इनको मैं उबाल लूंगी कुकर में। ये उबलने के लिए आलू मैंने कुकर में डाल दिए हैं। आलू का साइज बड़ा है तो 6 विसल लगवानी पड़ेंगी आलू में, आलू को उबालने के लिए। चलिए, तो हम वेट करेंगे 6 विसल तक, उसके बाद आगे की रेसिपी शुरू करेंगे। बॉयल हो गए हैं, अब मैं इन्हें छील लूंगी। छीलने के बाद मैं इन्हें मैश कर लूंगी। 3 चम्मच तेल डाल लेंगे और इसको मैं गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा ऐड करूंगी। अब इसमें हींग डालेंगे। हींग डालने के बाद मैं इसमें गार्लिक ऐड करूंगी। गार्लिक डालने के बाद इसमें मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर घिस लिए हैं, वो डाल दूंगी। अब इसमें मैं मसाले डाल दूंगी। इसमें मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच लिया है मैंने, और इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर, और इसमें 1.5 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी से इसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसको मैं मीडियम स्लो फ्लेम पे भूनूंगी। मेरे टमाटर को स्लो फ्लेम पे भूनूंगी मैं अच्छे से, जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। और बहुत थोड़ी सी इसमें मैं हल्दी ऐड करूंगी। अब इसको चला लेंगे अच्छे से और अच्छे से मैं भून लूंगी, जब तक ये तेल अच्छे से अलग ना हो जाए टमाटर में से। किसी भी सब्जी में मसाला भूनने का स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, इससे ही सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए, मेरे टमाटर अच्छे से भून चुके हैं, मैंने इसे लो फ्लेम पे भुना है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, 1 गिलास इसमें पानी डाल दूंगी मैं। अब इसमें मैं बॉयल आने दूंगी, गैस का फ्लेम फुल कर दूंगी। इसमें बॉयल आने के बाद इसमें मैं मैश किए हुए आलू डालूंगी। इस तरह से मैं मेरे तीनों आलू मैश कर लूंगी। देखिए, पानी में बॉयल आ गया है, अब इसमें आलू ऐड करेंगे। इसमें आलू ऐड कर लिए हैं, अब इसको 5 मिनट तक ऐसे ही मैं पकने दूंगी। इसमें कुछ कुछ टुकड़े बड़े आलू के भी हैं, बड़े आलू भी अच्छे लगते हैं आलू टमाटर की सब्जी में, तो आप इसको ऐसे ही पकने दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और ये सब्जी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और आपको एक सर्विंग डिश में निकाल के दिखाती हूँ कि मेरी सब्जी कितनी अच्छी बनी है। देखिए, ये मेरी टेस्टी आलू टमाटर की सब्जी बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी सब्जी कैसी बनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी गाइज। बाय बाय।